आज की सबसे बड़ी न्यूज, शेयर मार्केट क्रैश या स्टॉक मार्केट क्रैश। उससे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, jagran.com वेबसाइट का नाम है, उस पर है। शेयर मार्केट में सुनामी, इन पांच बड़े कारणों से क्रैश हुआ बाजार। कितना कितना परसेंट गिरा है? तो सेंसेक्स और निफ्टी 2% से अधिक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा न्यूज है, और जो कि किन कारणों पर आश्रित है उन्हीं कारणों को मैं व्याख्यान करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर कारण, ईरान इजराइल युद्ध से सहमा बाजार। यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे काफ़ी बड़ी पड़ी है। यहाँ पर जैसा कि लिख रहा है jagran.com, ईरान और इजराइल की लड़ाई से पूरी दुनिया के बाजारों प्रभावित होने की आशंका है। इजराइल एक साथ कई मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। उसकी फौज लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोहियों के अलावे सीरिया और ईरान से भी भिड़ी हुई है। मंगलवार को ईरान इजराइल युद्ध गरमाया था और उस दिन अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। चूँकि भारतीय बाजार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के चलते बंद था, तो युद्ध के प्रभाव का असर आज दिख रहा है। दूसरा, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, क्रूड सप्लाई चेन पर असर पड़ने का खतरा। तो इसमें भी इन दोनों देशों के युद्ध के कारण कच्चे तेल के कीमतों पर उतार चढ़ाव के साथ सप्लाई चेन के भी प्रभावित होने का डर है। और इन दोनों देशों से भारत का गहरा व्यापारिक नाता है। किस किस से? तो इजराइल और ईरान से। दोनों किस तरीके से है, किस तरीके का व्यापारिक नाता है, तो देख सकते हैं। इजराइल जहां पर कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का साझेदार है, वहीं पे ईरान तेल का बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही भारत ईरान को बड़े पैमाने पर बासमती चावल, चाय, कॉफ़ी और चीनी भी निर्यात करता है। अगर इजराइल ईरान का संकट गहराता है तो इससे कई कंपनियों के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर आयात और निर्यात से जुड़ी कंपनियां। अब जैसा कि गोल्ड के बारे में पॉजिटिव, यही वजह है कि निवेशक अब शेयर मार्केट जैसी अधिक अस्थिरता वाली असेट को छोड़कर गोल्ड का रुख कर रहे हैं। गोल्ड को सबसे सुरक्षित निवेश समझा जाता है और यह मुद्रास्फीति के खिलाफ कारगर हथियार के रूप में काम करता है। तो ये है jagran.com पर न्यूज। नेक्स्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO नियमों में बदलाव का असर। इसका भी असर पड़ा है मार्केट पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मार्केट रेगुलेटर सेबी SEBI ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस FNO ट्रेडिंग के लिए कुछ नए और सख्त प्रावधान किए हैं। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक 20 नवंबर से कॉन्ट्रैक्ट साइज के नियम लागू होंगे और हर एक्सचेंज में एक हफ्ते में सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी होगी। वही 1 फरवरी से ऑप्शन बायर्स के लिए अपफ्रंट प्रीमियम और कैलेंडर स्प्रेड जैसे बेनिफिट को खत्म कर दिया जाएगा। तो एक बेनिफिट को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। और बहुत ही कठोर नियम है फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। आगे, डेरिवेटिव के लिए न्यूनतम ट्रेडिंग रकम 15 लाख रुपए तय की है। यह बाद में 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच होगी। 1 अक्टूबर से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT को भी डबल कर दिया गया है। इन सब से FNO में ट्रेड करने वाले निवेशकों का सेंटीमेंट थोड़ा कमजोर हुआ है और इसका भी बाजार पर असर दिख रहा है। अगला कारण आपके स्क्रीन पर, भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी लंबे समय से बुल रन यानी तेजी का दौर चल रहा है।
भारतीय शेयर बाजार का ऊंचा वैल्यूएशन हो गया था, उसी को हम बोल रहे हैं तेजी का दौर चल रहा था। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे वाले दिन जैसे कुछ मौकों को छोड़ दे तो इसमें कोई बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि इस वक्त भारतीय स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचा है, ऐसे में निकट अवधि में बुलबुला फूटने की गुंजाइश लगातार बनी हुई है। हालांकि अक्सर बड़ी गिरावट के बाद म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी करके बाजार को संभाल लेते हैं, साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII अब भारत से पैसा निकालकर चीन जैसे बाजारों का रुख कर रहे हैं जो अपेक्षाकृत सस्ता है। चीनी सरकार ने अपने रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूस्ट दिया है, इससे भी वहां ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चीन का शंघाई कंपोजिट सोमवार 30 सितंबर को 8% से अधिक उछाल के साथ बंद हुआ था, तब से वहां का बाज़ार छुट्टियों के चलते पूरे वीकेंड के लिए बंद है। और अगला कारण, वैश्विक बाजारों से कमज़ोर संकेत। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का रुख है। तो जब दुनिया भर के बाजारों में जब गिरावट का रुख रहेगा तो भारतीय शेयर मार्केट में कैसे अप ट्रेंड रहेगी, यानी कि तेजी के दौर कैसे चलते रहेगी, ये तो संभव नहीं है मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, इससे मुझे भी वीडियो बनाने में बूस्ट मिलेगा। अमेरिका के तीनों प्रमुख इंडेक्स डॉजन्स, नासडेक कंपोजिट एंड S&P 500 तकरीबन सपाट बंद हुए। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहा है। शंघाई कंपोजिट राष्ट्रीय अवकाश के चलते 8 अक्टूबर तक बंद रहेगा। वहीं दक्षिण कोरिया का बाजार राष्ट्रीय स्थापना दिवस की वजह से बंद है। जापान का निक्केई 225 जरूर 2% तक चढ़ा है, लेकिन यह सियासी फेरबदल के चलते पहले ही काफ़ी गिर गया था और फिलहाल रिकवरी मोड में है। अब दुनिया भर के निवेशकों का मिजाज अमेरिकी के रोजगार और डेटा के साथ 4 अक्टूबर को आने वाली नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट पर रहेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनने वाली है इन्वेस्टरों के लिए, जो कि कहाँ से न्यूज आने वाली है तो अमेरिका से। कैसा? तो रोजगार और डेटा के साथ। कब? तो 4 अक्टूबर आने वाली नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम है। तो देखते हैं कैसा इफेक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पे। बाकी अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बुरा ही इफेक्ट पड़ेगा। बाकी यही कारण है जिसके वजह से भारतीय शेयर बाजार पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण लगभग 2% से ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 50 भी गिरा है। नेक्स्ट डे देखते हैं, जो कि फ्राइडे है, तो कैसा उस दिन परफॉर्मेंस करता है। बाकी मेरे आइडिया के अनुसार उस दिन परफॉर्मेंस एक ना अप एंड डाउन लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है, और 60% चांस है अब ट्रेंड बनने की। बाकी मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। मेरे वीडियो को देखकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना जल्दबाजी होगा, इसलिए ऐसा ना करें। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।